भीषण गर्मी में लगी आग ने गांव के एक परिवार का सब कुछ छीन लिया। जहां एक तरफ घर के आंगन में बच्चे खेलते नजर आते थे, अब वहीं एक उजड़ा हुआ मकान है। जहां एक परिवार चैन से अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, वहीं जलकर खाक हो चुके मकान को देखकर परिवार जार जार रो उठता है। अपना सब कुछ गंवा चुका यह परिवार जार जार रो रहा है, चाहे वह घर का मुखिया रनमत हो या मकान को घर बनाने वाली उसकी पत्नी। और अपने माता पिता को रोते देख बच्चा भी बिलख रहा है। कारण भी बड़ा है, यह परिवार घर में लगी आग से सब कुछ गंवा बैठा है। अब इनके पास ना तो पहनने को कपड़े हैं और ना ही खाने को अनाज। अपने जीवन में बड़ी मुश्किलों से एक आदमी घर बना पाता है, लेकिन एक आपदा में उसकी जीवन भर की गाड़ी कमाई कुछ ही देर में नष्ट हो जाती है। घटना झांसी जनपद के टहरौली अंतर्गत ग्राम भसनेह की है, जहां आज एक मकान में भीषण आग लग गई। गांव वालों ने आग बुझाने का काफ़ी प्रयास किया, फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया गया। दमकल करीब एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची, तब तक मकान पूरी तरह जल चुका था। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया, अन्यथा आग से अन्य कई मकान भी जल सकते थे। पीड़ित अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हुए है। हमारे पास कुछ नहीं बचा, भूकंप मर जाएगी क्या, हमें काबे को मिल जाए, मकान सकान बन जाए, जो मांग रहे हैं हम तो। अच्छा, प्रधानमंत्री से सारा काम है ना, हम आत्महत्या करके मर जाए, कुछ नहीं बचा आपके पास, सारा आपका सारा समझ सब जल गया है। हालांकि आग लगने के कारण पता नहीं चल सके हैं। घटना के बाद हुए नुकसान का मुआयना करने के लिए कानून को और लेखपाल मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि करीब 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। वह रिपोर्ट बनाकर भेज रहे हैं। जो रनमत सिंह ने बताया, लगभग 3,65,500 का नुकसान हुआ था। नुकसान हुआ तो इसके लिए जो आप जो रिपोर्ट बना के भेजेंगे तो लगभग कितने की भेजेंगे? इतने की भेजेंगे, इतने की। और फिर जो शासन का जीव होगा, अच्छा, उसके अनुसार मिलेगी इनको राहत सामग्री। आग लगने के बाद रनमत को उसके पड़ोसी मदद की सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें क्या मदद देती है, यह देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बीके के लिए टोडी फतेहपुर से अर्पित शर्मा की रिपोर्ट।